जबलपुर नगर निगम जोन अध्यक्ष चुनाव भाजपा ने मारी बाजी। आज दिनांक जबलपुर में नगर निगम जोन अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से विजय हुई। 16 जोन अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के 12 जोन अध्यक्ष विजय हुए। नगर निगम अध्यक्ष रिंकू बिज ने बताया, इस वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने जोन अध्यक्ष चुनाव में प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त की है और मैं सभी विजय प्रत्याशियों को, जिसमें एक मैं भी हूँ, विजय प्राप्ति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ और सभी की राजनीति में उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, पर हमारे द्वारा किए गए विकास कार्यों से हमें लगातार विजय प्राप्त हो रही है। तो वहीं जबलपुर नगर निगम महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनाव में हमारे 16 में से 7 प्रत्याशी ने विजय प्राप्त की और मैं सभी विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और हम धीरे धीरे कठिन प्रयास करके जबलपुर में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार निगम चुनाव एवं पंचायत सदस्य चुनाव में व जोन अध्यक्ष चुनाव में भी गड़बड़ी की जा रही है। यह लोकतंत्र पर एक बड़ा हमला है। मैं भाजपा की कड़ी निंदा करता हूँ। अच्छी बात नहीं होती है। खैर, हम लोग सब उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं, खुश हैं कि 16 में से 7 हमारे जोन अध्यक्ष जीत के आए हैं और ये सब मिलकर हम लोग जबलपुर शहर के विकास के लिए काम करेंगे और बाकी के जो जोन अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी के चुन के आए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सब मिलकर जबलपुर के विकास के लिए, जबलपुर को महानगर बनाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। आज नगर निगम के जोनों में अध्यक्षों के चुनाव थे। सभी अध्यक्षों को मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनके अच्छे कार्यकाल की शुभकामनाएं देता हूं और उनसे विश्वास रखता हूं उनके ऊपर कि वो सभी पार्षदों को साथ में लेके अपने जोन का समग्र विकास कराएंगे और शहर विकास में सहयोग। जबलपुर से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।